राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के कमिश्नर एवं सचिव रजनीश गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के राजस्व वसूली के संबंध में जानकारी हासिल की और राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, ADM वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली को समय से पूरा करने तथा बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो बेहतर होगा बिकॉज ये कर सकता है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरे से नीचे का कभी भी कर सकता है, बट मैं कर रहा हूँ। हम तो काइंडली इसको अप्रिशिएट कीजिए। आप जैसे समय कमिश्नर अगर नहीं भी हैं तो मैं कोई चीज़ पूछता हूँ कि क्यों नहीं की उन्होंने बार बार करने के बाद, तो आप एडिशनल कमिश्नर साहब जो हैं वो जवाब देने की स्थिति में होंगे नहीं। आपको पॉलिटिशन करना था, जिस जिले में पॉलिटिशन नहीं हुआ है उसकी जगह पर जाके इंस्पेक्शन कीजिए, स्वयं चले जाइए, सारे रिकॉर्ड देखिए, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ADM, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो भी क्लब करवाए हुए हैं, एक आध को सस्पेंड कीजिए, एक आध ADM के बारे में एडवाइस भी चार्जशीट बना के बोर्ड को भेजिए। दिस यू शुड डू अदर लीगल इन स्लाइटली हायर लेवल ऑल्सो। सो एज ए सीनियर कोलीग आई एम रिक्वेस्टिंग ऑन योर अगेन। अब कुछ जिलों की बात कर लें, जो जिले बहुत ही खराब चल रहे हैं वो मंडला नोट कर लें। आगरा में अगस्त के एंड में 10% प्रोग्रेस है, माफी प्रोग्रेस है। औरैया में 4% है, कानपुर नगर मात्र 13%, बिकॉज मैं उन जनपदों का नाम बोल रहा हूँ जहाँ से चार्जेस बहुत हैवी है, और गौतम बुद्ध नगर का 12% है। जो भी अधिकारी इतना निकम्मापन दिखा रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी है वो पैसे जमा नहीं करा रहा है, अभी भी अगर अगस्त के एंड में हम जाके देखें तो सिर्फ 15 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट सुने।